अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान करीम एंड वेलकम टू माई चैनल फूडी भाई। व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही। वीडियोज़ में अगर कोई इशू फील हो रहा है आपको, वो हमें चेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड करें ताकि हम उस तरह की वीडियोज़ बना सकें जो आपको अच्छी से अच्छी लग सके। व्यूअर्स, मौसम ठंडा ठंडा मज़ेदार, खाने पीने का इस तरह के मौसम में बहुत मज़ा आता है। तो व्यूअर्स, हमारे सोर्स ने आज हमें बताया है एक बर्गर पॉइंट है सुपर ग्रिल के नाम से, क्रीम ब्लॉक में। काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनी है उसकी, बर्गर की क्वालिटी और बर्गर के अंदर बीफ और चिकन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है, काफ़ी तारीफ हमने सुनी है। सुपर ग्रिल के नाम से क्रीम ब्लॉक के अंदर उनका बर्गर पॉइंट है। तो व्यूअर्स, क्या ख्याल है, बर्गर खाने के लिए चले आज फिर? तो व्यूअर्स, लेट्स गो। लेट्स गो। जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए सुपर ग्रिल्ड बर्गर क्रीम ब्लॉक। आए देखते फिर क्या चल रहा है इधर, किस तरह बन रहा है बर्गर। बर्गर का जो टेस्ट है वो तो है ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन में है फ्लेवर हमारे तीन, और तीन बीफ में है। सबसे टॉप का जो बर्गर है हमारा, एक सुपर वूपर है, एक सुपर क्रीमी है, ये दोनों चिकन है, और एक सैंडविच है जो कॉकटेल सैंडविच। बाकी बीफ के दो फ्लेवर है, एक सुपर क्रीमी और एक सुपर क्रीमी। तो सुपर क्रीमी बहुत ज़्यादा बीफ का ज़बरदस्त बर्गर है हमारा स्पेशल। राम भाई, कितनी देर हो गई आपको इधर? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह को 2 साल के करीब हो गए हैं सर। अच्छा। और मैंने बाकी वीडियोज़ में बताया कि मैंने स्टॉल से काम शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज नीचे भी रेस्टोरेंट की शक्ल में आ गया ये। अच्छा, एक स्टॉल लगाया? एक स्टॉल पर लगाया, तो 6000 रुपये रेंट था। अच्छा। और ये टेस्ट का राज क्या है, कुछ स्पेशल आप बनाते हैं ये सॉसेज वगैरह? इसकी स्पेशल ये कि कनौर की सॉसेज लेके हम जो है ना इसको मिक्स करके खुद टेस्ट बनाते हैं, उसके बाद चिकन की मैरिनेशन करते हैं, बीफ की मैरिनेशन करते हैं, और इसी चीज़ का टेस्ट है, यही चीज़ का टेस्ट है। और बाकी तो डिस्काउंट वगैरह का भी आपको पता है, 30% ऑफ दे रहे हैं हर कस्टमर को, और बाकी चिकन की क्वांटिटी वो तो आप देख ही लेंगे। वो बर्गर की क्या प्राइसेस हैं आपके? बर्गर की प्राइसेस जैसे अब 299 है, 299 है विद फ्राइज़ है, विद सॉस है। इसी तरह सैंडविच की प्राइस यही है, और बीफ की भी यही है, 350 है। तो इसके 350 वाला डबल पैटी में है, डबल पैटी में आई है। इसके बाद हम इस पर 30% ऑफ देते हैं कस्टमर को, तो वो 250 का पड़ता है कस्टमर को। फ्राइज भी इसके साथ है, सॉस भी इसके साथ है। अच्छा, सिंगल पैटी में? सिंगल पैटी में डबल पैटी, और सिंगल पैटी में? सिंगल पैटी में 220 का। अच्छा, फिर तो रेट्स नॉमिनल है, प्राइसेस नॉमिनल है। आज आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं बाद में? मैं आपको सर जो है ना, आज एक सुपर किंग बीफ और एक सुपर वूपर, ये आपके लिए जबरदस्त फ्लेवर है मेरे, मैं खुद भी यही खाता हूँ, तो अच्छा। मैंने आपके लिए भी यही मंगवाया है सर। लें जी व्यूअर्स, फिर इन दोनों बर्गर्स को लॉक कर देते हैं और फिर खा के बताते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है इनका। ले जी मैडम भाई, थैंक यू। हाँ जी भाई जी, क्या हाल है? लगता है बर्गर शर्गर खा लिया आपने? खा लिया है। देखो, ताम पजीर हो गया बर्गर आप। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? मजे का, मजे का। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको खासियत लगती है इस बर्गर में? तारीफ काफी सुनी है हमने इसकी। सॉसेज इसके जबरदस्त है, और सेकंड जो इसका टेस्ट है, जो मतलब कि बनाते हैं ना, चाहे बीफ हो चाहे चिकन हो, उसकी क्वालिटी और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है थोड़ा सा। उसको सेकंड फेज में एडिशन जो सॉसेज की हो जाती है, सॉसेज भी बहुत अच्छी है भाई, बनाना सामने बना रहे हैं फ्रेश, हर चीज़ साफ बेहतरीन। तो अगर 10 में से हम सोचें तो इसको आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस बर्गर को? 7। 7। अच्छा, अगर अच्छा ना हो तो मैं 4। अच्छा, यानी काफ़ी सख्त आपकी पॉलिसीज हैं खाने? नहीं, पॉलिसीज नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि खाना खाते हैं अलग अलग होटल काफ़ी होती तो पहले, लेकिन ये है कि टेस्ट की बात होती है, मतलब मज़ा आया कि नहीं आया, तो
वो फिर उस हिसाब से हमने इसको करना, जो टेस्ट इसका अच्छा है मैं ये नहीं कहूँगा। तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहते हैं, आना चाहिए इनको, क्या करना? हाँ बिल्कुल, आप अगर तो क्या कहते हैं चीप प्राइस में एक अच्छी प्रोडक्ट जो है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर। जी भाई थैंक यू। और भाई जॉय भाई कब से आ रहे हैं तेरा बर्गर खाने और कैसा लग रहा है टेस्ट आपको? टेस्ट बहुत अच्छा है और प्राइस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है जी, तो मैं आता कम होता हूँ, डिलीवरी ज़्यादा करवा देता हूँ। अच्छा, एक साल हो गया। हाँ माशाल्लाह, तो कैसा लगा बॉस आपको बर्गर? मज़ेदार टेस्टी और पैसे कम। हाँ यानी कि कम प्राइस में ज़्यादा मज़ा और अच्छी चीज़। क्वालिटी इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड, इनकी मीट क्वालिटी और ईच एंड एवरी थिंग इज लुकिंग गुड। और क्या रेट करेंगे 10 में से इनको अगर आपको? मैं तो बर्गर में 10/10 ही करूँगा क्योंकि प्राइस वही बात दोबारा रहती है, प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ दे रहे हैं। हाँ प्राइस ऑल्सो मैटर एंड टेस्ट ऑल्सो मैटर। यू से 10/10 तुम्हारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे आप, रिकमेंड करेंगे? आप आए सुपर फील खाएंगे, मजे करेंगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वर्मा, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूज बर्गर बहुत हैवी किस्म का है, अंदर चिकन की क्वांटिटी आप देखें जरा कितनी है, और इनकी सॉसेस फिलहाल तो बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है। बाकी खा के बताते हैं, चिकन की क्वांटिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की है। बड़ा मुश्किल हो रहा है खाना। आउटस्टैंडिंग बर्गर, आउटस्टैंडिंग बर्गर। जो चिकन लवर्स है ना उनको ये बर्गर उनके लिए फिट है। नाउ लेट्स सी द बीफ वन, जो बीफ लवर्स है उनको कैसा है ये सुपर क्रीमी बीफ। वाह व्यूज, इसमें भी बीफ की क्वांटिटी आउटस्टैंडिंग है, डबल पैटी है ये, और आगे आप देख ही सकते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। वाह बला बला का बर्गर है, यकीन करें बहुत मजेदार है, पैटी बड़ी मजेदार है, फील हो रहा है कि फ्रेश मीट इसमें यूज हुआ है। आउटस्टैंडिंग बर्गर, आई विल रेट 10/10। इन बर्गरों का 10/10 ही रेटिंग बनती है। अब मैं बर्गर जरा मजीद इंजॉय कर लू, सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, टिल देन बाय बाय।